सुनिए सुनिए सुनिए, आप सभी को सूचित किया जाता है, सनी अहमद कुरैशी पुत्र इसरार ये एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जिसके ऊपर सन 2011 से कुल 9 मुकदमे पंजीकृत हैं। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कुर्क किया जा रहा है, इसके मकान को कुर्क किया जा रहा है। थाना छत्ता निवासी सारिक अहमद पुत्र मुन्ना उर्फ इसरार और सनी अहमद कुरैशी पुत्र इसरार द्वारा अवैध कारोबार से कमाई गई संपत्ति पर जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। एसपी सिटी विकास कुमार ने पुलिस फोर्स के साथ कुर्की मुनादी कर कार्रवाई की जानकारी दी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सनी अहमद कुरैशी और सारिक अहमद ने 2011 से अवैध कारोबार कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। इन दोनों के खिलाफ गैंगस्टर सहित 9 आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। एसएसपी सुधीर कुमार ने कुर्की कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि कुर्की की कार्रवाई की लिस्ट में अभी 15 नाम और शामिल हैं। ये जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जनपद पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, और ऐसे माफिया जो नकली मोबिल बनाने का काम किया करते, नकली तेल बनाने का काम कारोबार किया करते थे बड़े पैमाने पर, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, और आज उनकी उस अवैध कारोबार से जो संपत्ति अर्जित की गई है उसकी कुर्की की कार्रवाई आज स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर की जा रही है। और ये दोनों का नाम शनी अहमद कुरैशी और शारिक जो दोनों भाई हैं, इसमें से एक की 1 करोड़ 72 लाख और 1 करोड़ 70 लाख, इस तरह लगभग 3.5 करोड़ रुपये की संपत्ति दोनों की मिलाकर कुर्क की गई है। देखिए, जब ये बंद हुए थे तो इनके पास से एक बड़ा जखीरा मिला था और सारी इन्वेस्टिगेशन उसी के आधार पर इन पर गैंगस्टर एक्ट लगा था, और उसी के दौरान इनकी संपत्ति की जांच कराई गई जो अवैध कारोबार से कराई गई थी, और ये संपत्तियां जो आज कुर्क की गई हैं इसका आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा कल किया गया था, और आज मौके पर जाकर इसकी कुर्की की कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की गई। थाना छत्ता निवासी गैंगस्टर सनी अहमद कुरैशी और सारिक अहमद पर कुर्की की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने साबित कर दिया कि अवैध कारोबार करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस की माने तो जल्द अन्य अपराधियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। 7 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।